हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो टॉपिक है दैट इज वेरी फेमस टॉपिक दैट इज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट। दिस इज द मोस्ट बेसिक रूल टू सॉल्व द एनी नेटवर्क। ओके, हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़े, जिसमें लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, लम्प्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो सबसे पहले जानने योग्य बातें हैं कि किरचॉफ लॉ आर अप्लाइड फॉर लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बाइलैटरल, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, लम्प्ड, बट इट फेल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। सारे जितने भी आप एलिमेंट पढ़े हो सारे में के लिए अप्लीकेबल है, बट दिस इज नॉट फॉर द डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर। ये मैंने लम्ब्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के मिडिल लेक्चर में भी बताया था। एंड ऑल्सो इट फेल्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, जहां पे भी हाई फ्रीक्वेंसी का एप्लीकेशन है। नाउ फॉर द सर्किट एनालिसिस किरचॉफ्स लॉ टू लॉ है, केवीएल, केसीएल। केवीएल को लूप लॉ कहते हैं और ये जंक्शन लॉ है। केवीएल को लूप लॉ इसलिए कहते हैं या मेश लॉ, बिकॉज इट इज अप्लीकेबल इन द लूप और मेस। एंड केसीएल को जंक्शन लॉ या पॉइंट लॉ भी कहते हैं, पॉइंट लॉ, बिकॉज इट इज अप्लीकेबल एट एनी पॉइंट और जंक्शन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो वोल्टेज के बारे में लॉ है, इन एनी लम्प्ड नेटवर्क, दिस इज सो इंपॉर्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पे द अल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस इन ए क्लोज्ड सर्किट और अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू जीरो। कोई भी क्लोज्ड पाथ हो, किसी पॉइंट से चले बस उस पॉइंट तक आ जाना, चाहे वो सर्किट ओपन हो चाहे पाथ ओपन हो, डजंट मैटर, बस वहां तक चलना है आपको। ओके, और वहां पे हम लोग केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, दिस इज द सर्किट। ओके, समेशन ऑफ वी इक्वल टू जीरो। ओके, अब हम लोग भी इक्वल टू जीरो मतलब ए से चले ए तक पहुंचे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। अब ए से बी हम लोग यहाँ पे वॉकिंग रूल अप्लीकेबल करते हैं, वॉकिंग रूल अप्लाई करते हैं। क्या है वॉकिंग रूल? कि अगर आप एलिमेंट के क्रॉस अगर वोल्टेज लिखते हैं, तो अगर आप वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं करंट के डायरेक्शन में, देन इट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ओके, देन अगर करंट उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं, देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। हम लोग करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, आई आर वन, फिर करंट के डायरेक्शन में प्लस आई आर टू, प्लस आई आर थ्री। अगर कोई वोल्टेज या ईएमएफ या पोटेंशियल मिले, तो वॉक करने के दौरान जो भी पोलैरिटी पहले मिलता है उस पोलैरिटी को पहले लिखते। बस दिस इज दिस टू रूल्स दैट इज टू इंपॉर्टेंट फॉर द नेटवर्क थ्योरी, सर्किट थ्योरी और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, हम लोग यहाँ डी से ए आए, माइनस प्लस पोलैरिटी लिख दी। आप चाहते इसको उल्टा भी घूम सकते थे, इधर से अगर आप इधर से घूमते, ओके, तो इधर से कैंडिडेट उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, तो माइनस आई आर थ्री, माइनस आई आर टू, फिर कैंड उल्टा डायरेक्शन में, ओके, माइनस आई आर वन, कैंड के डायरेक्शन में चल रहे हैं, ओके, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कौन सा पोलैरिटी मिला? प्लस, तो प्लस भी इक्वल टू जीरो। देखो सेम इक्वेशन। ओके, नाउ ये जो भी इक्वल टू आया आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री, दिस इज एक्चुअली द वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज डिसिपेटेड, एंड दिस इज द वोल्टेज जनरेटेड। इसका दूसरा फॉर्म दे सकते हैं, समेशन ऑफ भी जनरेटेड इक्वल टू समेशन ऑफ भी ड्रॉप और भी डिसिपेटेड। डिसिपेट यानी कि जो आप लॉस्ट करती है, जिसको आप अटेन नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते हो। इसका जनरल फॉर्म लिखे भी इक्वल टू भी वन प्लस भी टू प्लस भी थ्री। ओके, इसको इंटीग्रेट कर दिए। हम लोग जानते हैं फैराडे लॉ से, ओके, भी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ओके, लोग फाई को लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ भी डी टी, देन दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स। देन केवीएल इज जस्ट सिग्निफाइज द कंजर्वेशन ऑफ फ्लक्स, एंड फ्लक्स इज व्हाट? दैट इज जस्ट द एनर्जी। Then this is very important conclusion. KVL signify the conservation of flux or energy. Now अब हम लोग देखते हैं KCL, Kirchhoff's current law.
Now, this is the Kirchhoff's current law. Same in any lumped network at any instant. This is the markable point, lumped network at any instant. Okay, the algebraic sum of the currents at a node or junction or point, कुछ भी, सभी हम लोग सेम है, आगे हम देखेंगे क्या होता है, इज इक्वल टू जीरो. कोई भी पॉइंट हो नोड या जंक्शन, सारा एक पॉइंट ही है. ओके, इज इक्वल टू जीरो. हम लोग यहाँ पे कन्वेनियंस लेते हैं कि अगर करंट आउटगोइंग है देन दैट इज पॉजिटिव. नोड से आउटगोइंग, नोड से आउटगोइंग है देन दैट इज टेकन एज पॉजिटिव. इनकमिंग है देन दैट इज टेकन एज नेगेटिव. यू आर फ्री टू opt any convenience. Outgoing को आप negative मान लो, incoming को positive मान लो, that doesn't matter. Result remains the same. Okay, now in minus I1 incoming है, minus I2 incoming, outgoing plus I3 incoming, minus I4 outgoing plus I5 equal to zero. This one, this one. देखो ये क्या है, total incoming और ये total outgoing. Okay, now summation of I incoming equal to summation of I outgoing. इन जनरल हम लिख सकते हैं I टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग इंडिकेट के आई डी टी दिस वन देन Q इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री. इट इज व्हाट, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इसको आप यहां से देख सकते हैं I इक्वल टू डी क्यू आई डी टी, Q इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी. देन कहीं भी अगर KCL दिखे आपको, देन KCL सिग्निफाइज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नाउ दिस इज द KCL एंड KVL. This is too important. इस पे बेस्ट प्रॉब्लम करेंगे हम लोग. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे. ओके, थैंक यू.